योर व्लॉग्स डे टू और अभी बज रहा है एक. हम जा रहे हैं थलासा फॉर लंच और उसके बाद हम उसके आगे के बीचेस एक्सप्लोर करने वाले हैं. रात को वी आर प्लानिंग टू गो टू एनी क्लब बट लेट्स सी क्या होता है. और यहाँ पर इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, मतलब 5 मिनट्स में बाहर निकलो. अब मेरे फेस पे देख सकते हो कितनी स्वेटिंग हो रही है और मैंने कुछ नहीं लगाया हुआ, जस्ट अ लिटिल मॉइस्चराइजर. तो मैंने अभी पहनी हुई है ये सुंदर सी फ्लोरल ड्रेस. निकल पड़े हैं आरंबोल बीच की तरफ. बीच में शायद मोजम बीच और 2-3 बीचेस और आते हैं, हम वो देखते हुए आगे जाएंगे. आरंबोल बीच एंड दिस व्यू विच इज ब्यूटिफुल. इसमें डिफरेंस ये है बाकी बीचेस से कि ये जो बीच है दिस इज आई थिंक पर्टिकुलरली सिर्फ नहाने के लिए है, क्योंकि आप देख सकते हो पूरा प्लेन है. एंड वन थिंग जो ये अभी पानी यहाँ दिख रहा है वो पानी वहाँ तक पहुँचा हुआ था और ये मे बी रात को भी वहाँ तक पहुँच जाए, बिकॉज ये जितनी भी मिट्टी है सारी गीली मिट्टी है. इस बीच पर आपको ज़्यादा शैक्स वगैरह देखने को नहीं मिलेंगे, ज़्यादा रेस्टोरेंट्स देखने को नहीं मिलेंगे. बहुत ही पीसफुल बीच है. बागा और केलंगूर जैसा बीच नहीं है जहाँ पर बहुत शोर शराबा होता है ऑब्वियसली, क्योंकि वहाँ की नाइट लाइफ काफ़ी फेमस है. Just got back to the resort. It's almost 12:30 AM and आज का दिन काफ़ी अच्छा रहा. वी वेंट टू आरंबोल बीच, उसके बाद हम वापस आए, थोड़ा हमने रेस्ट किया 1.5 घंटे के लिए, फिर हम बागा बीच चले गए डिनर के लिए. वहाँ से आते आते हमें काफ़ी लेट हो गया. आज ट्रैवलिंग भी बहुत हो गई क्योंकि बीचेस काफ़ी दूर थे, बट ओवरऑल इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस. और कल का व्लॉग भी मैं एंड नहीं कर पाई थी, सो सॉरी फॉर दैट. बट वी हैव एन एडवेंचरस डे प्लान फॉर टुमारो. कल हमारी सारी वाटर एक्टिविटीज़ होने वाली हैं अलग से ग्रैंड आइलैंड पे जाके, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट. सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना. और फिलहाल मैं बहुत थकी हुई हूँ एंड आई हैव टू वेक अप रियली अर्ली टुमारो. तो आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में. टिल देन बाय बाय, टेक केयर.